नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सिद्धार्थनगर जिले के ढिढाई थाना क्षेत्र में आज एसओजी टीम पुलिस की दो अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी, वहीं एक एसओजी के सिपाही के हाथ में गोली लगी। दोनों का उपचार मिठवल सीएचसी में चल रहा है। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि काफी दिनों से खबर मिल रही थी कि एक अपराधी जेल में अपराध करने की फिराक में आ रहा है। इसी के चलते आज सुबह डीडी थाना क्षेत्र में दुबोलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दुबोलिया की तरफ से संदिग्ध आता दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसने एसओजी के सिपाही के हाथ में गोली लगी। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में फायर किया तो अपराधी हरिकृष्ण के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार करके एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस व एक खोखा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि वह महाराजगंज का हरिकृष्ण है। यह महाराजगंज जिले का ताप तैन अपराधी है, साथ ही महाराजगंज व गोरखपुर का एनीमिया बदमाश है। इसके ऊपर क्रमशः 15,000 व 25,000 का पुलिस ने घोषित कर रखा है। साथ ही देवरिया जिले में भी वांछित है। यह लोगों को गोली मारकर लूट करता था। इसके खिलाफ 3 जिलों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। ये काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गोरखपुर जोन का एक अपराधी है, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर में किसी अपराध की फिराक में है। इस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर एसवी सिंह सर द्वारा जो है एसओजी के प्रभारी जीवन को लगाया गया था, तो इनके द्वारा सूचना डेवलप की गई। कल रात में इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि अपराधी वासी के आसपास कहीं पर है। सुबह एसओजी प्रभारी हमारे जीवन और डिडई थाना प्रभारी, अभी जो नवनिर्मित थाना जो बना है वहाँ पर भानु उसके प्रभारी, तो ये दोनों लोग वहाँ पर चेकिंग में थे। ये दो अपराधी आते हुए दिखाई पड़े, इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने पुलिस बल पर फायर किया है। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिससे अभियुक्त जो हरिकृष्ण है इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जो कि मौके पर घायल हुआ। उसके द्वारा जो फायर किया गया उससे हमारा एक सिपाही है उसके हाथ में चोट लगी। इसको अभियुक्त को वही